Welcome to the daily analysis video. इस वीडियो में हम करेंगे निफ्टी के चार टाइम फ्रेम से अब हम शुरुआत करते हैं डेली टाइम फ्रेम से और जो हम डिस्कशन कर रहे थे ठीक है इतने तीन दिन से हम डिस्कशन जो कर रहे हैं कि मार्केट एग्जॉस्ट लग रहा है एग्जॉस्टेड लग रहा है एकदम ओवर बॉट जोन में लग रहा है फ्रॉम द प्राइज एक्शन ठीक है अगर हम अभी का एक्शन अगर हम देखें सो वी आर गेटिंग लोअर क्लोज तो ये सारे लोअर क्लोज हैं और अभी हम मूविंग एवरेज के पास आ गए जो एक एक्सपेक्टेड मूव था कि मूविंग एवरेज के, के आसपास आ जाएंगे और अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे जब तक हम मूविंग एवरेज के ऊपर हैं एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी बाइंग आ जाती है तो ये एक दिन पहले फर्स्ट दिन एक रिगरेस बाउंस आ गया नेक्स्ट डे भी बाउंस आया थर्ड डे भी आज बाउंस है इसका मतलब कि ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है अब लार्जली हमें ये देखना है कि जब भी ये मूविंग एवरेज के अंदर आके एक बुलिश कैंडल बनाता है अब इसका मतलब कि एक इधर मॉर्निंग स्टार और अ इनगल्फिंग पैटर्न ये एक हमें इंडिकेशन होगा कि मार्केट का स्विंग लो बन चुका है जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड करें सो जब तक निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ट्रेंड इज़ बुलिश इवन दो कैंडल आर रेड तो ये हम पुल बैक समझेंगे क्योंकि ये एक ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक क्रॉस ओवर एक करेक्शन आ रहा है ठीक है और जब तक हम मूविंग एवरेज के ट्वेंटी वन ई एम ए चैनल के ऊपर ट्रेड करें तब तक बुलिश है मूविंग एवरेज के पास आते आते ये जो जितने भी कैंडल्स हैं जो बड़ी कैंडल बन रही थी उनका लेंथ छोटे छोटे होते जा रहा है इसका मतलब अब डिमांड कहीं नज़दीक में है सो so नाउ अगर आपको यहाँ से बुलिश ट्रेड्स दिखती है तो देखना चाहिए फ्रॉम द प्राइस पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी भी और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ सकता है ऑलमोस्ट सेवेंटीन फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड इस जोन के बीच में एक बार हम आ सकते हैं तो अगर ये आ जाते हैं तो एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगा सो डेली टाइम फ्रेम इज़ बुलिश टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग अबाउट द मूविंग एवरेज अब हम चलते हैं निफ्टी के सेवेंटी फाइव मिनट टाइम फ्रेम पर और जो हम कब से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये पूरी एक्सपायरी जब भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाती है बुलिश कैंडल बन जाती है हम लार्जली उसी जोन के अंदर ही ट्रेड करते हैं तो अगर आप देखोगे तो अभी भी सेवनटीन एट फिफ्टी और सेवनटीन सिक्स फिफ्टी फाइव फिफ्टी इस लेवल के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप अभी ट्राइंगल वो देखोगे जो हमने फर्स्ट डे प्लॉट भी किया था राइट right? कि अब उसकी वैल्यू और निकल गई होगी सो लार्जली क्योंकि हम अभी तक इसी जोन में हैं और कहीं हमने मूव नहीं किया है राइट वेयर एज अब जब तक हम मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ऑन द सेवेंटी फाइव मिनट चार्ट द ट्रेंड हैज़ टू बी कंसिडर्ड बेरिश और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है और लार्जली जो भी एक्शन हो रहा है वो लोअर साइड पे हो रहा है और जितने भी बेरिश कैंडल्स बन रही है उनका हाई अब भी जो है वो इंटैक्ट है इसका मतलब हमें एक लोअर हाइज मिलते जा रहे हैं तो लार्जली दिस डेटा इज़ ऑल्सो बरिश सो so, एक फॉल था एक राइज अगेन फॉल राइज फॉल एंड अगेन वी आर गोइंग सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम नीचे के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्ट्रक्चर जो अभी निफ्टी का बन रहा है वो थोड़ा सा बेरिश डायरेक्शन में बन रहे। है और 17550, 17600 एक इंपॉर्टेंट जोन है अगर वो ब्रीज करते तो हम और नीचे आ सकते हैं तो सेवेंटी मिनट में हमें यह डेटा मिल रहा है नाउ लेटेस्ट गो टू फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम एंड सी द एक्शन देर अब फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो लार्जली जो भी एक्शन बना है ये बड़ी बुलिश बेरिश कैंडल में इसी के अराउंड हम ट्रेड कर रहे हैं और लार्जली आज जो लास्ट टाइम ऑन सेवेंटीनथ जो बाउंस मिला था अभी उसी के ही एक जोन में आके अभी हमने कंसोलिडेट के एक लास्ट डिमांड कैंडल बनी बट 21 वन ई चैनल के नीचे है तो एक बेरिश कैंडल भी बन गई तो लार्जली देर इज़ नो एक्शन अगर आप ऑप्शन बायर या सेलर हैं और डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं ठीक है नॉन डायरेक्शनली अगर डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो एडवाइजेबल होगा कि अगर आप सेवनटीन एट फिफ्टी या सेवनटीन फाइव फिफ्टी के बाद ट्रेड देखो इसके बीच में थोड़ा सा कंजेशन जोन है तो आपके बहुत जल्दी जल्दी इमिजिएटली स्टॉप लॉसेज हिट होते जाएंगे सो so अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपको पार्टिसिपेट करके एग्जिट करना पड़ेगा सो so एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आ रहा है बट आई नो ट्रेडर्स जो एक अच्छे से शॉर्ट जोन में भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स करते हैं ठीक है तो इट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर स्किल बट लार्जली आई प्रेफर इट जब वो कंजेशन जोन के बाहर निफ्टी चली जाए तो हम उसके बाद ट्रेड करेंगे इसके बाद हम चलते हैं निफ्टी के रिंको चार्ट्स पे अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो लार्जली एक हमें ब्रेकआउट मिल चुका है ऑन द ऑन पॉइंट फाइव परसेंट डेली टाइम फ्रेम और इसके बाद अगर हम पॉइंट फिफ्टीन परसेंट वन मिनट चार्ट पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो लार्जली आज एक स्ट्रक्चर जो है ये ऑलमोस्ट सेम इधर पे सपोर्ट पे आ चुका है कि सेवनटीन सिक्स हंड्रेड के सपोर्ट पे हम ऑलरेडी हैं इसके नीचे जब ब्रेक डाउन आता है देन इट विल बी अ ब्रेक डाउन बिलो द ट्रिपल मूविंग एवरेज एंड इट विल बी बेरिश अंटिल देन द स्ट्रक्चर हियर इज बुलिश ठीक है सो ऑन द रेंको चार्ट द पॉइंट फिफ्टीन परसेंट वन मिनट चार्ट सीम्स टू बी बुलिश ये एक नॉर्मल करेक्शन है ऑन द मूविंग एवरेज एंड वी माइट कीप ऑन कंसॉलिडेटिंग ह्योर सो लास्टली दिस इज द एनालिसिस फ्रॉम द रेंको चार्ट अब एक बार हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की तरफ और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि मैक्सपिन अभी सेवनटीन सिक्स फिफ्टी पे तो कल का जो डेटा था वो था मैक्स मैक्सपिन का सेवनटीन सेवन हंड्रेड नाउ सेवन अब हम सेवनटीन सिक्स फिफ्टी पे मतलब मैक्स मैक्सपिन पचास पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है देन इट इज़ अ बेरिश साइन एंड बिकॉज टुमारो इज एन एक्सपायरी सो दिस डेटा इज़ वेरी क्रूशल क्योंकि अब ये हमें बताएगा कि मार्केट एक्सपायर कहाँ हो सकता है लार्जली हमने ये देखा था कि सेवनटीन सेवन हंड्रेड के आसपास ही कहीं पर मार्केट ट्रेड कर सकता है लार्जली वी आर एट सेवनटीन सिक्स फिफ्टी तो इसका मतलब अब इस सेवनटीन सिक्स फिफ्टी के अराउंड मार्केट कहीं पे क्लोज कर सकता है प्लस और माइनस ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा विच वी कैन सी टुडे अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो आज के दिन में सेवनटीन सिक्स फिफ्टी पे कॉल एडिशन हुआ है फ्रेश कॉल एडिशन हुआ है कि कॉल की राइटिंग हुई लोअर लेवल्स पर इतना ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है हमें बट मैक्सिमम ऊपर के लेवल पर सेवनटीन सेवन हंड्रेड सेवनटीन एट हंड्रेड देर इज़ कॉल राइटिंग मतलब सेवेंटीन सेवन हंड्रेड एट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे लोअर लेवल्स पे सपोर्ट इतना नहीं दिख रहा है बट अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो मूविंग एवरेजेस जा रही हैं तो वो एक सपोर्ट देंगे द प्राइस सपोर्ट एंड ओवाई सपोर्ट शुड बी सीन कलेक्टिवली अगर आप उसको आइसोलेशन में देखोगे तो बहुत क्लियर डेटा नहीं मिलेगा तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि प्राइस चार्ट पे सेवेंटीन 400, 500 के बीच में सपोर्ट है एंड ऑन द ओ आई चार्ट यहाँ पे सेवनटीन सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड इधर भी सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो लार्जली कल का जो मार्केट का एक जोन रह सकता है वो सेवनटीन सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड का एक जोन रहेगा और ऑलमोस्ट सेवनटीन सिक्स फिफ्टी के आसपास हम कहीं पर एक्सपायरी दे सकते हैं ओवरऑल पी सी आर इज़ पॉइंट सिक्स फोर दैट इज़ नेगेटिव राइट सो दैट इज दिसिस फ्रॉम निफ्टी अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज़ शोइंग मोर स्ट्रेंथ देन निफ्टी राइट और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो 21 वन ई एम ए चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग लोअर क्लोजिंग्स तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है बट जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तो दिस हैज़ टू बी कंसिडर बुलिश शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बैरिश एक्शन दिख सकता है अगर हम 75 फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो अभी तक हमने 21 वन ई चैनल को ब्रेक नहीं किया और वापस एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन आना शुरू हो चुका है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और हम ट्वेंटी वन ई एम चैनल के ऊपर चले जाते हैं तो बैंक निफ्टी विल्स अगेन स्टार्ट शोइंग बुलिश मोमेंटम सो एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बैंक निफ्टी इज़ बुलिश और ये आउट परफॉर्म भी कर रही है निफ्टी को सो बैंक निफ्टी इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी एंड 15 मिनट चार्ट्स पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं अभी तो लार्जली कल के दिन में वी सॉ दिस ब्रेक डाउन बिलो मूविंग एवरेज और हम देख रहे थे कि ये बैरिज स्ट्रक्चर बन चुका है 15 मिनट चार्ट पे सो एवरी टाइम इट इज कमिंग नियर द 21 वन ई चैनल वी आर गेटिंग द सेलिंग पैटर्न्स सो लार्जली ये भी एक बैरिज स्ट्रक्चर बनते जा रहा है कि यहाँ पे वी आर इंटू अ सेल फॉर्मेशन फ्रेश शॉट हमें इनिशिएट करना चाहिए आफ्टर द द लो ऑफ फोर्टी इज ब्रीच्ड सो लार्जली 15 मिनट चार्ट हमें थोड़ा सा बैरिज स्ट्रक्चर दिखा रहा है वेराज सेवेंटी फाइव मिनट चार्ट एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो एक छोटा टाइम फ्रेम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में मूव कर सकता है और हमेशा मूव करता ही है सो so, लास्टली हमें यह देखना है कि 75 मिनट का चार्ट जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं देता ऑफ बुलिश और बेरिश वी शुड बी आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वोलेटाइल जोन नाउ तो इसको हमें ऑब्जर्व करना है वेर एज डेली टाइम फ्रेम में थोड़े से फॉल की जगह है टिल फोर्टी वन थाउजेंड सो नाओ गोइंग टू रेंको चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज एवरी थिंग सीम्स टू बी बुलिश ऑन थ्री परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फाइव परसेंट तो यहाँ पर सारी जगह पर बुलिशनेस दिख रही है अगर हम पॉइंट फिफ्टीन परसेंट वन मिनट चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पर देखते तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जो जो जोन थे हमने उनको ब्रेक कर दिया और अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं द लास्ट फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो बुलिश तो स्ट्रक्चर वाइज तो बुलिश है बट अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये लो low है लोअर लो अगेन अ लोअर लो राइट और अभी भी हमें जो सीक्वेंस में मिल रहा है वो लोअर हाइज मिल रहा है जब तक हम एक प्रीवियस इसको क्रॉस नहीं कर देते एक डब्ल्यू फॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड बेरिश बट दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम ये पॉइंट फिफ्टीन परसेंट वन मिनट का चार्ट है तो ये हमेशा डेली टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में जाता रहेगा और ये एक सपोर्ट जोन है फ्रॉम फोर्टी वन नाइन हंड्रेड टू फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है लार्जली ये जो हाई है ऑफ फोर्टी टू फोर हंड्रेड टू फोर्टी वन एट हंड्रेड दिस जोन इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल जोन नाउ राइट इधर हमें इसके नीचे ब्रेक डाउन चाहिए या हमें इसके ऊपर और जाएंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा बट माई बायस फॉर बैंक निफ्टी इज़ बुलिश मैं बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स को अभी मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं देखूंगा अगर मुझे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है थोड़ा सा करेक्शन हो जाता है उसमें अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखूंगा इनमें मैं अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि एज ऑफ नाउ द पी सी आर इज़ पॉइंट एट फोर दैट मीन्स इट इज़ बेरिश वन के नीचे है द मैक्स पेन स्ट्राइक इज एट फोर्टी टू वन हंड्रेड एंड करेंटली वी आर ट्रेडिंग एट फोर्टी टू वन फिफ्टी तो लार्जली जहाँ पे स्पॉट है वहीं पर ही मैक्सपे भी है तो मार्केट इसके अराउंड ही कहीं पर एक्सपायर कर सकता है इसके बाद हम एक डेटा पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट रेटिंग हुई है जो फोर्टी टू थाउजेंड स्ट्राइक है तो फोर्टी टू थाउजेंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट वेरज हायर लेवल्स पे फोर्टी टू फाइव हंड्रेड इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिटेंस सो लार्जली द मार्केट्स आर गोइंग टू भी बिटवीन फोर्टी टू थाउजेंड एंड फोर्टी टू फाइव हंड्रेड अब हमें यहाँ पे ये यह ऑब्जर्व करना है कि लार्जली जैसे ही हम 42,000 स्ट्राइक के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पुट है बट इसके ऊपर सारी जगह पे कॉल्स है और लार्जली जो, जो जोन रहेगा वो 42 टू 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 के बीच में रहेगा लार्जली द मार्केट्स आर लाइकली टू क्लोज नियर द मैक्स पेन लेवल तो 42,100, 200 इसके अराउंड कहीं पे क्लोजिंग कल की आ सकती है सो दिस इज़ फ्रॉम बैंक निफ्टी चार्ट अब इसके बाद हम चलते हैं ब्रेथ की तरफ और निफ्टी के ब्रिड को ऑब्जर्व करते हैं कि अभी भी इसमें कहीं पे भी, भी कूल ऑफ़ नहीं हुए तो पिछले तीन दिन में प्राइस ने लोअर लोज बनाए हैं और लोअर क्लोजेस दिए बट मार्केट का ब्रिड जो है वो कूल ऑफ़ नहीं हुआ है अभी भी हम 80% परसेंट ब्रिड पे विच इज़ शोइंग एक्सट्रीम जो सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर दैट द ब्रिड शुड कूल ऑफ़ अब यहाँ पे जब तक ब्रिट कूल ऑफ नहीं हो रही तो एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने में ज़्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि हमारे स्टॉपलसिस्टिगर हो सकते हैं अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्टोरल ब्रिट की तरफ तो मैंने सेक्टोरल ब्रिट का एनालिसिस ऑलरेडी एक मेट्रिक्स रन कर दिया है और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऑलमोस्ट तीन सेक्टर हंड्रेड परसेंट पे विच इज़ पी एस यू बैंक निफ्टी बैंक एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक तो ये हमें बता रहे हैं कि एक्सट्रीमली ओवर बॉटे तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करेक्शन आ सकता है बट लार्जली आई एम एक्सपेक्टिंग बैंकिंग स्टॉक्स टू करेक्ट बट आई नॉट शॉर्ट दैम क्योंकि ब्रेथ एक्सट्रीम हो गया इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके शॉर्ट करो क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है बट अगर ये ब्रेथ अगर कूल cool ऑफ हो जाती है कूल ऑफ ब्रेथ में एक बुलिश इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें रिस्क रिवॉर्ड वाइज बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं सो एज ऑफ नाउ आई अवॉइड दिस सेक्टर बिकॉज आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग इन बैंकिंग स्टॉक्स लार्जली इसके बाद अगर हम नीचे के साइड पे देखते हैं तो हेल्थ केयर मेटल यहाँ तक ऑलमोस्ट टिल निफ्टी फिफ्टी ऑल द सेक्टर आर इन ओवरबॉड कंडीशन सो हेल्थ केयर मेटल सी पी एस सी रियाल्टी ऑटो फार्मा ये सारे ओवरबॉड इसमें हैं तो इधर भी कूल cool ऑफ की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है और नीचे के लेवल्स पर जाते हैं तो सबसे ओवर सोल्ड जो ब्रेथ है वो है निफ्टी आई टी की बट निफ्टी आई टी ट्रेंड इज ऑल्सो बेरिश सो बेरिश ट्रेंड में ऑलरेडी ओवरसोल्ड में तो यहाँ पे और शॉर्ट करने में पॉइंट नहीं बनता ये अगर ओवरबॉट या न्यूट्रल जोन में आएगा तो ये निफ्टी आई को हम शॉर्ट कर सकते हैं लार्जली जो हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर इन ओवरबॉट कंडीशन अगर मुझे ये एक चार्ट ड्रॉ करना होगा तो ये ओवरबॉट में ज़्यादा स्टॉक्स हैं राइट ज़्यादा सेक्टर्स ओवरबॉट अभी कंडीशन में है सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कूल ऑफ तो जब तक ये ऐसे एक न्यूट्रल जोन में नहीं आ जाता कि मैक्सिमम सेक्टर्स ऑलरेडी कुछ ओवर सोल्ड हैं कुछ ओवर बॉट है बट मेजोरिटी सेक्टर्स ओवर एकदम न्यूट्रल जोन में जब तक नहीं आ जाते इसका मतलब 40 से लेके 70 के बीच में जब तक नहीं आ जाते तब तक आई नॉट इनिशिएट फ्रेश ट्रेड्स इन द मार्केट सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो तो एंड आई एल सी यू टुमारो